Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from unit number 5. Factorization. Exercise 5.1 on book page number 100. And question number 3 of exercise 5.1. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 5.1 का, उसमें क्या है फैक्टराइज. अब यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टराइजेशन होगी वो जो थर्ड टाइप के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन का मेथड डिस्कस किया था हमने इंट्रोडक्शन में, तो ये वही मेथड होगा. मींस हमारे पास आइडेंटिटी कंप्लीट होगी. तो देखिए पार्ट 1, 144 ए स्क्वायर प्लस 24 ए प्लस 1. तो सॉल्यूशन देखिए. अब सबसे पहले इस स्टेप में हमने 144 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली है. तो 144 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है 12 रेज टू पावर 2. मींस 12 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 144. तो 12 स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब नेक्स्ट टर्म है 24 ए. तो हमने 24 ए को भी ब्रेक डाउन करके लिखना है 12 ए प्लस 12 ए में. तो 12 ए प्लस 12 ए प्लस 1 एज इट इज. अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये यहाँ पे दोनों टर्म्स का स्केयर है, 12 का भी स्केयर है और ए का भी स्केयर है. तो हम इसको होल स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे, 12 ए होल स्केयर प्लस 12 ए प्लस 12 ए प्लस 1 एज इट इज. अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इन दोनों में से हम 12 ए को कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 12 ए होल स्केयर है, देन फिर प्लस 12 ए है. तो जब 12 ए कॉमन लेंगे हमारे पास क्या आएगा, 12 ए प्लस 1. अब नेक्स्ट जो लास्ट 2 टर्म्स हैं वो है 12 ए प्लस 1. तो उन दोनों में से भी हम जस्ट 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर वाली ये जो टर्म है वो सेम होगी, 12 ए प्लस 1. अब इन दोनों टर्म्स में 12 ए प्लस 1 सेम है, तो इन दोनों में से हम 12 ए प्लस 1 को कॉमन लेंगे. 12 ए प्लस 1 टेकिंग कॉमन, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 12 ए प्लस 1. अब यहाँ पे दो सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि एक भी 12 ए प्लस 1 है और दूसरी भी 12 ए प्लस 1 है. तो जब दो सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे पास क्या होता है, उनका स्केयर आ जाता है. तो ये किसके इक्वल होगा, 12 ए प्लस 1 होल स्केयर. तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. ये हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट है पार्ट 2, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर. तो सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले हमने यहाँ से जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखना है और कॉन्स्टेंट अलग करेंगे. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर पहले लिखेंगे और माइनस टू इसके बाद आएगा. अब यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिटी कंप्लीट करनी है, तो हम इस टर्म में ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 2 इंटू ए ओवर बी इंटू बी ओवर ए को.
देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये ए का भी स्केयर है और बी का भी स्केयर है, तो ये ए ओवर बी होल स्केयर के इक्वल, प्लस नेक्स्ट इस टर्म में भी ये बी का भी स्केयर है और ए का भी स्केयर है, तो बी ओवर ए होल स्केयर, माइनस अब टू ए ओवर बी इंटू बी ओवर ए को पहले हमने माइनस किया और फिर हमने ऐड किया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन होगी, देन माइनस टू एज इट इज, ओके। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हैं वो आइडेंटिटी कंप्लीट कर रही है, कौन सी वाली आइडेंटिटी, ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, अगर ए यहाँ पे ए ओवर बी के और बी यहाँ पे बी ओवर ए के इक्वल हो तो ये आइडेंटिटी यहाँ से कंप्लीट होगी, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर। अब ये तीनों टर्म्स पहले वाली सॉल्व होगी, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, प्लस टू इंटू ए ओवर बी टू बी ओवर ए माइनस टू। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें क्या है, ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस टू था और टू के साथ ये ए ओवर बी एंड बी ओवर ए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए ए के साथ कैंसल आउट होगा और बी बी के साथ कैंसल आउट होगा, तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, टू माइनस टू। तो नेक्स्ट स्टेप में अब ये टू भी एक पॉजिटिव साइन के साथ है और एक नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये टू और टू भी कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये दो टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर फैक्टर्स है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस टू ओवर सॉरी माइनस टू प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थ्री ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस फोर्टीन जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस फोर्टी नाइन जेड स्क्वायर। तो अब देखें x प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर्टीन जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस फोर्टी नाइन जेड स्क्वायर एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में बाकी सारा एक्सप्रेशन हमारे पास सेम रहेगा, जस्ट 49 की हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे, तो 49 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, सेवन स्क्वायर जेड स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई होल स्क्वायर एज इट इज माइनस यहाँ पे 14z है, तो 14z को हम ब्रेक डाउन करेंगे इस स्टेप में, कैसे कि 2 मल्टीप्लाई 7, बिकॉज अगर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 2 7 14 होता है, इसलिए 2 7 मल्टीप्लाई 7z टू एक्स प्लस वाई एज इट इज प्लस, अब ये 7 का भी स्केयर है और z का भी स्केयर है, तो इस स्टेप में होल स्केयर हो जाएगा प्लस 7z होल स्केयर। तो अब अगर हम तीनों टर्म्स को गौर से देखें तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी कंप्लीट होगी, a माइनस बी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, अगर a यहाँ पे x प्लस वाई के और b 7z के इक्वल हो तो ये आइडेंटिटी कंप्लीट होगी, x प्लस वाई माइनस 7z होल स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हमने ब्रैकेट को सॉल्व आउट किया है, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 7z होल स्क्वायर, ये फैक्टर्स हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर के, तो ये पार्ट नंबर थ्री भी सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. 12x square minus 36x plus 27. तो सॉल्यूशन देखें. अब ये हमारे पास जो तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इन तीनों कॉन्स्टेंट्स, ये तीनों कॉन्स्टेंट्स जो है वो 3 के मल्टीपल्स हैं. मीन्स इन तीनों का फैक्टर 3 है. तो हम इन तीनों में से 3 को कॉमन लेंगे. तो देखें, जब 12 में से 3 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, 4x square माइनस साइन एज इट इज. और जब 36 में से 3 कॉमन जाएगा तो बचेगा 12x प्लस 27 में से जब 3 कॉमन जाएगा तो बचेगा 9. ओके, हमने 3 को इन तीनों में से कॉमन ले लिया. अब नेक्स्ट स्टेप पे 3 तो एज इट इज कॉमन आएगा. 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है, वो क्या है, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 12x प्लस 9 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 3 होल स्क्वायर. ये 9 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें 3 एज इट इज. अब ये 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे 2x होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा. 2x होल स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 स्क्वायर. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 12x को ब्रेक करना है. 3 इंटू 2x होल स्क्वायर माइनस, अब ये 12x है तो 12x को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे कि 2 इंटू 2x इंटू 3. अगर हम इन तीनों टर्म्स को दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12x आएगा प्लस 3 होल स्क्वायर. तो अब इन तीनों टर्म्स को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है. a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अगर a यहाँ पे 2x के इक्वल हो और b 3 के इक्वल हो तो ये आइडेंटिटी कैसे कंप्लीट होगी, 3 इंटू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर. तो ये 3 इंटू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर फैक्टर्स होंगे 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 के. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 5.1 का वो भी सॉल्व कर लिया. तो ये 5.1 के क्वेश्चंस ऐसे ही हमने उनकी फैक्टराइजेशन करनी है जैसे हमने क्लास 7 में चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10A और 10B में क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. अल्लाह हाफिज़.